उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ज्योतिष महाकुंभ के समापन समारोह में शामिल ज्योतिषियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी ज्योतिषियों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत करते हुए ज्योतिष समारोह आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में ज्योतिष शास्त्र की लंबी परंपरा और गौरवशाली इतिहास रहा है। इसके साथ ही भारत की महान भूमि अलौकिक विद्याओं और रहस्यों को उजागर करने वाली भूमि है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में ज्योतिष को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड ज्योतिष परिषद का भी गठन किया है, ताकि हमारी भावी पीढ़ी इस विज्ञान का लाभ उठा सके। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। उत्तराखंड चूंकि देवभूमि है, अध्यात्म की भूमि, आयुष की भूमि, देवों की भूमि और ऋषि मुनियों की भूमि, यहाँ पर जो ज्योतिष शास्त्र की लंबी परंपरा और इसका गौरवशाली इतिहास रहा है और यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, इसका भी अपने आप में एक विशेष महत्व है। भारत की यह महान भूमि ज्ञान कर्म उपासना के साथ साथ लौकिक और अलौकिक विद्याओं और रहस्यों को उजागर करने वाली भूमि है। बहुत सारे यहाँ पर ऋषि मुनियों ने अनेकों जो है बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े उनके मंत्रोच्चार किया और मंत्रों की जो शक्ति है वो कभी समाप्त नहीं होती है। वो तो एक बार निकल गए तो ब्रह्मांड में हमेशा बने रहते हैं। इसलिए यहाँ इस प्रकार का आयोजन, इसका अपने आप में बहुत विशेष महत्व है और हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों द्वारा ज्ञान एवं विज्ञान की उपासना का संदेश दिया। भाइयों बहनों, वेदों में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य समाया है और मेरा ये मानना है कि इस रहस्य को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। किसी ने ठीक कहा है कि ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मांड को समझने का एक रोड मैप है, एक रास्ता है और वेद पुराण उपनिषद जितने भी हमारे महान ग्रंथ हैं, जो हमें केवल कर्मकांडी मात्र नहीं थे बल्कि वो सब वैज्ञानिकता पर आधारित थे, जिन्होंने मानव की भलाई के लिए नई नई वैज्ञानिक मान्यताएं स्थापित की हैं।